तो हेलो एंड वेलकम गाइज, फिर से एक बार आप सबका अनिल गावित व्लॉग में स्वागत है। दोस्तों आज हम नांदेड़ में हैं और आज हम एक गुरुद्वारा है नांदेड़ में जो सिख समुदाय के 10वें धर्मगुरु है, उनकी समाधि है, वहाँ पे हम आज विजिट करने वाले हैं। हालांकि दोस्तों यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शन है वीडियोग्राफी फोटोग्राफी करने के, तो हम वो नियमों को फॉलो करेंगे। कुछ कुछ जगह अलाउड है, वहाँ का हम खाली नहीं दिखा पाएंगे, बाकी तो यहाँ के सिक्योरिटी की वजह से रिस्ट्रिक्शन लगाए हुए हैं। तो आपको सबसे पहले एंट्री करने के लिए आपको सर पे कोई भी कपड़ा बांधना पड़ेगा। तो हमने ये वाला बाहर दुकान से कपड़ा ले लिया हुआ है, ये वाला, इसको बांधेंगे सर पे और उसके बाद हम एंट्री करेंगे। कपड़ा फाइनली हमने बांध लिया है और हम अभी अंदर एंट्री करने वाले हैं। थोड़ा हम वीडियो को पोस्ट करते हैं, जहां अलाउड होगा वहां का खाली हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं गुरुद्वारे के अंदर। तो दोस्तों अंदर एंट्री करने के लिए जूते वगैरह जो बाहर निकालने पड़ेंगे, तो यहाँ एक काउंटर लगा है, उस पर हम जूते छोड़ेंगे, जूते चप्पल जो भी है, जहाँ जूते निकालते हैं। उस काउंटर की खासियत है वो हम वीडियो के एंडिंग में दिखाने वाले, तो वीडियो को आप बीच में स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें। तो यहाँ पे चलेंगे, और यहाँ से हमको एक टोकन मिलेगा, वो टोकन दिखा के बाद में जूते ले लेना है। दोस्तों फाइनली गुरुद्वारे में एंट्री कर चुके हैं। तो यहाँ वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करने के कुछ नियम लिखे हुए हैं, आपको हम बताते हैं। फोटोग्राफी संबंधी निवेदन है, सेल्फी फ़ोटो लेना सख्त मना है और परिसर में हाथ जोड़कर फोटोग्राफी करें, गले में हाथ डालकर फिल्मी स्टाइल में फोटोग्राफी करना सख्त मना है। ये सब नियम हैं जो हैं यहाँ पे आके आपको फॉलो करने पड़ेंगे। जब गुरुद्वारे में जब हम एंट्री करते हैं तो यहाँ पे पैर धोने पड़ते हैं, जूते वगैरह पहने होते हैं, तो इसके लिए यहाँ पर आप पैर धो सकते हो पानी में। अभी थोड़ा हम वीडियो को पोज करेंगे दोस्तों, मंदिर दर्शन के लिए जाने वाले हैं गुरुद्वारे में, तो वीडियो को हम पोज करते हैं। अभी दर्शन ले लिया है दोस्तों हमने, अभी बाहर निकलेंगे हमने और थोड़ा और दिखाने की कोशिश करेंगे आप लोगों को। दोस्तों दर्शन के बाद हमको ये प्रसाद मिला है, प्रसाद का अब सेवन करने वाले हैं। दोस्तों सामने दिख रहा है ये खंडा है, ये सिख समुदाय में इसको खंडा कहते हैं, इनका होली सिंबल है ये, जैसे हर धर्म में होता है, हर धर्म का अलग अलग सिंबल है, इसको खंडा कहते हैं। तो दोस्तों इस गुरुद्वारे में सब जाति धर्म के लोग आ सकते हैं, कि कोई भी कम्युनिटी के हो आप यहाँ आ सकते हैं, लेकिन यहाँ आने से पहले आपको यहाँ के इंस्ट्रक्शन क्या है, नियम क्या है, उसके बारे में जानना ज़रूरी है। जैसे कि हाथ पैर धो के जाना है, और इस तरह से कोई भी कपड़ा आपके सर पर होना चाहिए, जूता वगैरह पहन के नहीं जाना है, और जहाँ जहाँ वीडियोग्राफी करना अलाउ है खाली वहीं पर करना है आपको, वीडियो फोटोग्राफी जो भी करना है, और कंधे में हाथ डाल के फ़ोटो नहीं निकालना है, जैसे हम सेल्फी लेते हैं ना बाहर कहीं जाते हैं, तो उस तरह की चीज़ें नहीं करना, वो नियम आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो दोस्तों अब हम गुरुद्वारे के बाहर निकल चुके हैं, अब हम जहां हमने चप्पल छोड़े थे उस काउंटर की खासियत हम आपको दिखाते हैं। हमने एक टोकन दिया है, ये आ गए हमारे जूते चप्पल। तो दोस्तों यहाँ पे टोकन नंबर लिखा हुआ है 349 जूते पे, और धूल मिट्टी वाले जो भी जूते चप्पल छोड़ के जाओगे ना, उसका वो आपको चकाचक करके मिलेंगे, पॉलिशिंग होता है और ये सब फ्री में होता है, और यहाँ जो सेवा करने के लिए जो भी लोग होते हैं तो आपको जूते पॉलिश करके देंगे, जो भी धूल मिट्टी लगी है वो आपको पूरे साफ करके देंगे। ये काम आप भी कर सकते हो फ्री में, अगर आपकी सेवा करने की इच्छा हो तो यहाँ सब मदद करते हैं लोग एक दूसरे को। तो यही है तो इस गुरुद्वारे की खासियत। तो हम मिलते हैं एक ऐसे इंटरेस्टिंग व्लॉग में, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप फेसबुक पे इस वीडियो को देख रहे हो तो हमें फॉलो करें, और यूट्यूब पे देख रहे हो तो हमें सब्सक्राइब करें। आपको यूट्यूब की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से जाके आप डायरेक्ट हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलते हैं हम ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।